ಸ್ವಾಗತ ಹಂಪಿ ಸೊ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಗೈಸ್ ಐ ಹೋಪ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಇಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ ಫೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯೇ ಅಪನ ಶೈನ್ ಕಂಫರ್ಟ್ ಆರ್ ಸೀ ಇಸ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ದ ಕಂಫರ್ಟ್ ಚಾಯ್ भी यहाँ पे आ गया है अभी. सो गाइज अभी पहला फटाफट चाय पी लेता हूँ बिकॉज अभी निकलना है अपने को टूवर्ड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसको अपन अपने को दो सेक्शन में डिवाइड करना है. तो अभी फर्स्ट सेक्शन को आज स्टार्ट करते हैं टूवर्ड्स टेम्पल. तो अभी पहले यहाँ से निकलता हूँ टूवर्ड्स विरूपक्षा टेम्पल, तो वहाँ पर जाता हूँ और वहाँ पर आपको मिलता हूँ आके. अभी मैं फ़िलहाल हॉस्पिटल में हूँ, तो अभी हम्पी पहुँचने थोड़ा मुझे 15-20 मिनट लगेगा यहाँ से. सो वहाँ पे मिलता हूँ आपको. सिलन गाइस स्टे ट्यून. सो ये कुछ हॉस्पिटल मार्केट है, दिखाता हूँ. यहाँ पे बाय द वे मैंने स्टे किया था, अभी यहाँ से निकल रहा हूँ मैं. बाकी ओवरऑल हम भी पहुँचने का जो 780 किलोमीटर का जो पैच था दैट वॉज सो स्मूथ, बहुत मज़ा आया. सिर्फ बीच का कुछ थे पैचेस जैसे मैंने आपको बताया हुबली के बाद, तो वो थोड़ा कंसर्न थे, बाकी ऑलमोस्ट सब ठीक लगा. मैं हम्पी चला गया, हम्पी में मुझे रात को, मैं हम्पी रात को पहुंचा था 9:30 को, बट देन वहाँ पे कुछ स्टे के लिए ऑप्शन गेस्ट हाउस थे, बट गेस्ट हाउस मेरे को इतने पसंद नहीं आ रहे थे और कॉम्प्रोमाइज़ करना मतलब मुझे नहीं लग रहा था ठीक. हाँ हम्पी जा रहे हो? नहीं अभी रूम वहाँ पे बुक कर लिया, ऑलरेडी बुक कर लिया रूम ऑलरेडी हॉस्पिटल में. हम भी यहाँ से अभी कितना दूर रहेगा? 10 किलोमीटर में. हाँ हाँ, इसलिए हॉस्पिटल में ही किया है वो. शाइन कंफर्ट है ना? चलो. आपका नाम? वेंकटेश. प्रसाद? वेंकटेश प्रसाद. चलो नाइस टू मीट यू. मतलब बहुत हेल्पफुल है, कल रात से मैं देख रहा हूँ. रात को भी मुझे स्टे के लिए कुछ यहाँ पे ऑप्शन नहीं मिल रहा था, तो काफ़ी सारे लोगों ने मुझे, एक ने तो बंदे ने मुझे हॉस्पिटल तक यहाँ पे ड्रॉप किया बाइक से, मेरे को दिखा रहा था. एनीवेज गूगल था मेरे पास, बट देन स्टिल ही इज़ कंसर्न अबाउट मी, तो मुझे छोड़ने आया था. तो अच्छा लगता है ऐसे लोग मिलते हैं, तो अननोन पर्सन के साथ आप इतना टाइम स्पेंड करो और वो आपको प्रॉपर गाइड करे तो और क्या चाहिए. तभी तो ट्रैवल का रियल मज़ा आता है. हम्पी को जो सिर्फ गूगल पे देखा था, आज रियलिटी में देखेंगे आंखों के सामने, वो एक्सपीरियंस अलग होगा, मज़ा आने वाला है. सो गाइस दिस इज़ द स्टार्ट ऑफ हम्पी. आप देख सकते हो कितने बड़े बड़े स्टोन्स हैं यहाँ पे. ये हम्पी की खासियत. आगे और जाते आ जाओ. मंकी मैन, बाप रे कितना बड़ा मंकी रे. सॉरी 30 किलोमीटर एरिया एंड वी नो अबाउट हिस्ट्री एवरी प्लेसेस. आई ड्राइव यू फ्रेंड ऑफ द टेंपल. आई कैन एक्सप्लेन टू यू व्हाट द हिस्ट्री. थैंक यू सो मच सर. देन इफ यू हैव टू गो, थैंक यू सो मच. I'll manage sir. Thank you so much. 2000 rupees for guide. It's too costly yaar. Oh my god. Guys, look at the beauty. Oh, 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 shit. So guys, this is the entry of Virupaksha Temple. जो सिर्फ गूगल पे देखा था मैंने.
आज निगेड़ा इसे देख रहा हूँ। विरूपाक्ष मंदिर का शिखर वैसे तो जमीन से 50 मीटर ऊंचा है, बट इस विशाल मंदिर के अंदर अनेक छोटे छोटे मंदिर है जो विरूपाक्ष मंदिर से भी प्राचीन है। विरूपाक्ष मंदिर हम्पी के उन गिनो चिनो मंदिरों में से है जिनमें आज भी विधिवत पूजा की जाती है। तो इस मंदिर का संबंध विजयनगर काल से है, जो विजयनगर राजा कृष्णदेव राय ने बसाया था, और इसके बगल में ही आपको एक तुंगभद्रा रिवर मिलेगी जो विरूपाक्ष मंदिर को घिरी हुई है। सो गाइस, दिस इज हाउ द एंट्रेंस ऑफ नरसिम्हा टेंपल, और सामने ही है नरसिम्हा जी की मूर्ति है, बट मूर्ति की कंडीशन थोड़ी ठीक नहीं है, इसलिए मे बी उसकी पूजा नहीं की जाती है। मे बी दैट वन द रीज़न पॉसिबिलिटी, बट मैं आपको दिखाता हूँ मूर्ति। और फिलहाल अपन हम्पी के इस माहौल में थोड़ा जी रहे अभी से। तो यह मूर्ति उग्र नरसिम्हा के नाम से जाना जाता है। यह विशाल प्रतिमा 6.7 मीटर ऊंची है, जिसके पीछे एक मकर तोरण है। इस स्थान की ऐसी प्रतिमाएं में से यह सबसे बड़ी है। इसके निकट 1528 के एक अभिलेख में एकश के उत्कीर्ण विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय के अनुरोध पर एक पुरातत्व भारी विशाल शिलखंड पर किया गया और आर्य कृष्ण भट्ट द्वारा प्रतिष्ठापित किया गया। यह प्रतिमा भगवान विष्णु के 10 प्रमुख अवतारों में चौथे अवतार नरसिम्हा की है, जो पद्मासन की स्थिति में है और जिनके उठे हुए घुटने पर योगपीठ लपेटा हुआ है। प्रतिमा के पीछे कुंडली मार कर बैठे अधिशासन नाग भगवान के सिर के ऊपरी छतरी के रूप में अपने सातों फन फैलाए हुए हैं। यह मूर्ति भग्न हो चुकी है। उनकी बाई गोद में वाम ललितासन में बैठी हुई लक्ष्मी खंडित हो चुकी है। देवी के केवल दाहिने हाथ ही बचा है, जो भगवान के पीछे से मनोहर ढंग से घेर लिया है। यह प्रतिमा एक बड़े चाकोर कक्ष में स्थापित की गई है। ये जो प्रतिमा आप देख रहे हो, ये प्रतिमा पूरे पत्थर में बनाई गई हुई है। कहा जा रहा है कि ये लिंग की स्थापना कोई बड़ी स्त्री ने की गई, इसके लिए इस मूर्ति का नाम बड़ी लिंग कहा जाता है। पर वैसे तो ये आप देख रहे हो काफ़ी ऊंची है, और अंदर जाने के लिए मनाही है, तो आप अंदर नहीं जा सकते, बट ये पूजा के दौरान इस द्वार को खोला जाता है। You can see this is the big 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 monument in front of this, मतलब इसका हाइट बहुत ज़्यादा है। वैसे तो आप ये जो देख रहे हो, ये हेमाकुटी पहाड़ी का दर्शन है, और इस हेमाकुटी पहाड़ी के दर्शन में आपको मैं ऐसी कुछ चीज़ दिखाऊंगा जहाँ पे आप देख के स्तब्ध हो जाओगे। जैसे कि आप सामने देख रहे हो मेरे गणेश जी का मंदिर दिख रहा है, ये कड़ेलकड़ू गणेश मंदिर है। यहाँ पे गणेश जी अंदर वास करते हैं। यहाँ ये जो मंदिर है, ये आप मंदिर प्राचीन काल में बनाई गई मूर्ति है। यहाँ पर आप देखोगे तो ये पूरी तरह से आपको मूर्ति जो दिख रही है पूरी एक पत्थर में, जो वास्तुकला देखने ये बहुत। वैसे तो आप ये जो गणेश मूर्ति देख रहे हो, ये वैसे तो 15 फुट की ऊंचाई पर है। ये जो गणेश जी की मूर्ति है, ये वैसे तो पूरे पत्थर में बनाई गई है। एक
कंकीर पत्थर में बनाई गई है और इसकी ऊंचाई अगर आप देखोगे तो 15 फीट की ऊंचाई है और आप देख सकते हो कितनी ऊंचाई है इसकी। ऐसा है कि हम्पी शहर में इस मूर्ति की पूजा नहीं की जाती है, उसका रीज़न मुझे भी नहीं पता अब तक, अगर आपको पता है तो आप कमेंट करके मुझे बताइए। उसके बाद मैं आपको और एक गणेश जी की मूर्ति से मिलाता हूँ। ये आप जो देख रहे हो, दिस इज सशिविकालु गणेशा, एक स्थिर पत्थर में बनाई गई मूर्ति है और कहा जाता है कि इस मूर्ति की भी पूजा नहीं की जाती है, बट इसमें इसके पीछे भी एक हिस्ट्री है। वो लोग कहते हैं कि यह जो मूर्ति आप देख रहे हो, ये मूर्ति एक ज़माने में ऐसा हो गया था कि गणेश जी ने बहुत ज़्यादा खाना खा लिया था, तभी उनको खाना खाने के वक्त जब उनका पेट बहुत ज़्यादा फटने की पोजिशन पर आ गया था, तभी सर्प को उनके पेट से बांधा गया था। इसके लिए आप देख सकते हो उनके गणेश जी की मूर्ति के पेट पे सर्प बांधा गया है, तो इसके पीछे ऐसी कुछ स्टोरी है लोग कहते हैं। अभी यहाँ पे अपन शुगर केन पी लिए, नाउ थोड़ा हेल्दी फील हो रहा है, क्योंकि धूप बहुत है ना यहाँ पे, इसके वजह से। अभी अपन अभी अपना ऑलमोस्ट टेम्पल्स सारे हो गए, बट टेम्पल्स में मैंने आपको पहले बताया था कि टेम्पल्स विरूपक्षा टेम्पल छोड़ के बाकी कोई भी टेम्पल में पूजा नहीं होती है, बिकॉज ऑल आर खंडित मूर्तिज, तो खंडित ही आप बोल सकते हो, भग्न किए हुए मूर्तिज, तो इसके लिए उनकी पूजा नहीं होती है। बट जो स्कल्पचर जो खड़े किए हुए हैं आप देख सकते हो, ये सारे 15th सेंचुरी के पहले के स्कल्पचर्स है, और इनमें आप एक चीज़ नोटिस कर सकते हो, ये जो भी बनाए गए स्कल्पचर जितने बड़े बड़े हाइट के, ये सारे एक ही स्टोन में बनाए गए हुए हैं। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ गाइज, यू कैन से हम्पी। सो नाउ गाइज अपन पहले जाते हैं टूवर्ड्स क्वीन पैलेस।